नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। 31वें ताज महोत्सव का बुधवार को रंगारंग कार्यक्रम से समापन हुआ है, लेकिन शिल्पग्राम में लगा मेला 5 मार्च तक चलता रहेगा। मेले में शहरवासी शिल्पियों के स्टॉल से खरीदारी कर रहे हैं, खाने पीने के स्टॉल भी लगा रखे हैं। पंजाबी पॉप गायिका हर्षदीप कौर ने अपनी गायकी से श्रोताओं का दिल जीत लिया। मेले का समापन विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया है। वहीं बाहर से आए शिल्पकारियों की बिक्री ज्यादा ना हो पाने के कारण आयोजन समिति ने इसे 4 दिन और बढ़ा दिया। कैसा लग रहा है जी? मैं बहुत खुश हूं और अब मैंने अनाउंस करी थी कि मैं अगले साल फिर आना चाहूंगी, क्योंकि इतनी प्यारी ऑडियंस है। बड़े बड़े शहरों में इतनी प्यारी ऑडियंस नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आगरा, थैंक यू। मैं आती हूँ दर्शक जी, जनता के लिए क्या कहना चाहूंगी? यही कहूंगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। बस आपस में हारमोनी रहे, प्यार रहे। केंद्र सरकार ने निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को महंगाई की एक और मार दी है। होली से ठीक एक सप्ताह पहले रसोई गैस के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। यही नहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 350 रुपए बढ़े हैं। इससे वैवाहिक सीजन में लोगों को आर्थिक खर्च उठाना पड़ेगा। कांग्रेस ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध करते हुए इसे किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ धोखा बताया है। गुरुवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष को दिया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने हाल ही में हुए मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। वहीं गृहिणियों और युवतियों ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे किचन का बजट बिगड़ गया है। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये प्रति गैस सिलेंडर बढ़ गया, जो घरेलू गैस सिलेंडर थे। अब कमर्शियल में देखा जाए तो 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब शादी सीजन चल रहा है और इस तरीके से मध्यम वर्ग को परेशान करने के लिए, लूटने के लिए उनको पूरा प्रयास केंद्र गवर्नमेंट कर रही है, जो बहुत ही दुखद है। देखिए, सरकार ने किसानों को, मजदूरों को एक तोहफा दिया है, जिसमें घरेलू गैस 50 रुपये और कमर्शियल गैस 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ये सरकार कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम कर रही है। अगर ये कहते थे कि बजट में किसानों के लिए है, अन्नदाताओं के लिए है, मजदूर वर्ग के लिए है, तो बजट में क्या यही था कि होली के जैसे जो है धार्मिक त्यौहार पर आप गैस का दाम बढ़ा देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की रसोइयों पर फर्क पड़ेगा। इससे सरकार की धांधली हो रही है। सरकार पूरी तरह सरकार चलाने में विफल है। हरदोई में 4 प्रधान और 3 ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ, जिसे 22 बूथों पर 22 पोलिंग पार्टियां कराती हुई नजर आई। वहीं चुनाव कराने के लिए 7 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं इस चुनाव में 11,895 मतदाता 19 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हुए दिखाई दिए। श्रावस्ती में सीएचसी में व्यवस्थाओं के दावे फेल हो गए हैं। दरअसल बिजली के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलहीपुर अंधेरे में डूब गया। इसके साथ ही वहां मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि सीएचसी में महीनों से खड़ा जनरेटर बस शोपीस बनकर खड़ा है, जहां सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक व्यवस्थाओं को दुरुस्त होने की बात कहते हैं। वहीं सीएचसी मलहीपुर में ये स्वास्थ्य मंत्री के दावे की हकीकत बयां कर रहे हैं। वहीं हरदोई के 52 रोड पर नगर पालिका परिषद के द्वारा डाले गए कूड़े के ढेर में आग लगी है, जिससे कूड़े से निकलने वाले जहरीले धुएं से इस हवा में कहीं ना कहीं लोगों का हाल बुरा हाल हो गया है। कूड़े के धुएं से यहां के नागरिक परेशान हैं और उनका कहना है कि अक्सर इस तरह के कूड़े के ढेर में आग लगाई जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं सांस लेने में। हालांकि इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मौके पर नगर पालिका कर्मियों को भेजा गया है, कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। हाथरस गैंगरेप कांड में 2.5 साल बाद SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ 1 संदीप ठाकुर को दोषी माना, जबकि 3 आरोपियों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को बरी कर दिया। अदालत ने संदीप को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में दोषी माना है। संदीप को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 आरोपियों में से किसी पर भी गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इससे पहले गुरुवार सुबह 4 आरोपियों को पेशी पर कोर्ट लाया गया था। फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया था।
फैसला आया है, तीन लोगों को एक्विटल कर दिया गया है। जो मुख्य आरोपी है संदीप, उसे सजा बोल दी गई है, पर लेकिन अभी 2 बजे सुना जाएगा सजा के बिंदु पर। क्या आस लगाई बैठी हुई थी इससे पहले, फैसले से पहले बैठी? भैया मैं तो सब कर बार सब जाइए, मेरा तो बेटा आ जाए बस, जोर में तो जाइए आस लगाए बैठी हो जाइए। कौन सा फैसला आया? सबसे छोटा कोर्ट के बीच पर छोड़ रहा कि मैं तो पूरा भगवान तो संतुष्ट हैं। वहीं बलरामपुर में जिले के 6 ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 13,707 मतदाता प्रत्याशियों के भाग का फैसला करते हुए नजर आए। सुभाषनगर से जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चला। सभी बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, साथ ही अधिकारियों ने लगातार बूथों का निरीक्षण भी किया था। आगरा में पुलिस ने 14A के तहत कार्रवाई करते हुए पप्पू कुशवाहा की संपत्ति की कुर्क करने की कार्रवाई की। पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। आरोप है कि पप्पू कुशवाहा नकली छेना की मिठाई तैयार करता था, जिससे करोड़ों की संपूर्ण संपत्ति अर्जित की। वहीं उस पर नकली छेना बनाने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि आगरा पुलिस ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना चुकी है जो अवैध कारोबार से धन अर्जित करते हुए नजर आते हैं या इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नरेट प्रणाली के बाद आज पहली बार आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत 14A की कार्यवाही की जा रही है। पप्पू कुशवाहा जो एक सातर किस्म का अपराधी है और ये फूड एडल्टरेशन नकली छेना बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उसी के क्रम में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ऐसा कार्य बहुत दिनों से कर रहा था और ऐसा कार्य करके जो भी उसने अवैध संपत्ति अर्जित की थी उन सभी संपत्ति को आज कुर्क किया जा रहा है। पप्पू कुशवाहा के ऊपर 3 मुकदमे हैं और इस पे उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के अंतर्गत गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया है और उसी के अंतर्गत आज कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार 14A की कुर्की की जा रही है। सहारनपुर में स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर बैठे युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी। वहीं गोली युवक के पेट में लगी है, जिसे युवक को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल युवक किराए के मकान में रहता है। वहीं SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा इस वक्त मौके पर मौजूद नजर आए। मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। थाना देहात के रामनगर चौकी क्षेत्र में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक को गोली मारी गई है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जो मजरूब है उसे अस्पताल लाया गया है। उसे पेट में गोली लगी है और हालत उसकी अभी स्थिर है। पूछताछ में मजरूब ने बताया है कि जिस मकान में ये किराए पर रहते हैं उसी मकान में नीचे कुछ युवक भी किराए पर रहते हैं और पिछले 2-3 दिनों में इनकी कई बार कहासुनी हो चुकी है उनसे। इसी बात को लेकर उन युवकों में से 2 युवकों ने इन पर आज सुबह गोली चलाई है, जो कि इनको पेट में लगी है। परिजन जो तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल जो बताए गए अभियुक्त हैं वो अपने घरों से फरार हैं, उनकी तलाश पुलिस कर रही है और शीघ्र ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगरा में कारतूस और अवैध हथियारों को लेकर पुलिस एक बड़ा अभियान चला रही है। पुलिस एक एक कारतूस का हिसाब लेने पर आमदा हो गई है। दरअसल लगातार फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, लिहाजा पुलिस यह अभियान चला रही है। पिछले दिनों में फायरिंग की कई घटनाएं हुई, जिसमें बड़ी तादाद में कारतूस चलाए गए। पुलिस गन हाउस पर छापा मारकर एक एक कारतूस का हिसाब ले रही है और पता कर रही है कि कितने कारतूस किस लाइसेंस पर गए हैं, क्योंकि फायरिंग करने वालों के पास कारतूस कहाँ से आ रहे हैं यह आगरा पुलिस के लिए बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हर गन हाउस पर जाकर एक एक कारतूस का हिसाब लिया जा रहा है। सर, गन हाउस पे एकदम सारे छापा मारा, क्या एकदम वजह थी जो एकदम छापामार कार्रवाई की है? आगरा पुलिस ने यहाँ फतेहाबाद गन हाउस में आके चेकिंग किया है और वेरिफिकेशन किया है। ये आगरा पुलिस वेरिफिकेशन सभी जगह करेगी, क्योंकि हाल के समय में जो हादसे हो रहे हैं हम लोग ये बात की पुष्टि करना चाहते हैं, इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो भी जहां भी फायरिंग की घटना हो रही है वहां कारतूस कैसे पहुंच रहा है। इस एम के साथ आगरा पुलिस पूरे जनपद में जितने भी गन हाउस हैं सबकी चेकिंग करेगी। इसी क्रम में मेरे द्वारा खुद आज यहां उपस्थित रहकर फतेहाबाद गन हाउस की चेकिंग की गई
क्योंकि आगरा जनपद में हमारे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कारतूस यहां से बिक रहे थे। मुरादाबाद के थाना गलचरी क्षेत्र के गांधीनगर से डॉक्टर पी के खंडा के यहां अपने बीमार बच्चे को दिखाने आए। गरीब माँ बाप ने डॉक्टर साहब से अपने बच्चे को दिखाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टर साहब ने नंबर्स देखने की जिद करते रहे। ज्यादा मिन्नतें करने पर डॉक्टर ने गरीब माता पिता के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और अभद्रता करने लगे। इतना ही नहीं, अभद्रता के साथ साथ उस बच्चे के माता पिता को गालियां तक दी हैं। हकीकत तो ये है कि बच्चों को देखने के लिए सुबह 6 बजे से नंबर लगता है और सुबह 8 बजे तक नंबर लगाया जाता है। बगैर नंबर के डॉक्टर साहब किसी मरीज को नहीं देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर महंगाई के विरोध में फिरोजाबाद शहर कांग्रेस सेवा दल ने खाली सिलेंडरों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हाय हाय के नारे भी लगाए गए। फिरोजाबाद शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष नूरुल हुदा लाला राइन गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के दाम बढ़ने के विरोध में नालबंद चौराहे से लेकर नाले की पुलिया तक जुलूस निकाला गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार दिन पर दिन घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ा रही है, लोगों के घर का बजट गड़बड़ा रहा है, लोगों के घर का बजट कई गुना हो गया है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। लोगों का घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई को लेकर आम नागरिक ताहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कांग्रेस कार्यकर्ता अमन द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई लगातार बढ़ रही है, गरीबों का जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। हर महीने सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन गरीब की मजदूरी उतनी की उतनी है, आखिर गरीब कैसे गुजारा करे। नारायण गांधी, आपने किसको लेके जुलूस निकाला? देखिए, ये महंगाई को लेकर निकाला है। ये घरेलू गैस के दाम भारतीय जनता पार्टी ने दिन पर दिन बढ़ा रही है, जबकि कह कहते हैं विदेश से हमारा गैस आती है तो बहुत ही कम पैसों में आ रही है। जब गैस मद्दी होने पर विदेश के आने के यहाँ पर मद्दी आ रही है, तो ये मद्दी क्यों नहीं कर रही? आए दिन आप पैसे बढ़ा दिए, अब देखिएगा घर का बजट है। वैसी महंगाई हर चीज़ पे है घरेलू, लेकिन फिर हर चीज़ पे महंगाई पे कर देते हैं। तेल पे महंगाई, आटे पे महंगाई, दालों पे महंगाई। अब सिलेंडर को लेकर जिस तरह से जो कांग्रेस के शासनकाल में 450 का सिलेंडर था, आज वो 1200 का सिलेंडर बिक रहा है, उसको लेकर हमने ये आंदोलन किया है। लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 2024 में तुमने अगर वोट दिया तो देश फिर महंगाई में और बेरोजगारी में आ जाएगा। भाजपा उठाओ, देश बचाओ, कांग्रेस लाओ। प्रयागराज में मेषपाल हत्याकांड को लेकर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हत्याकांड से जुड़े एक अहम सुराग को लेकर पीडीए ने आज करेली क्षेत्र में बुलडोजर चलाया। करेली क्षेत्र में रहने वाले सफदर अली के घर पर पीडीए का बुलडोजर चला। सफदर अली गन हाउस के मालिक है। उमेशपाल हत्याकांड में जो बंदूकें और कारतूस सप्लाई की गई थी, इन्हीं की दुकान से सप्लाई की गई थी। पुलिस को इसकी अहम सुराग मिल गया है, जिस पर इनके मकान पर पीडीए का बुलडोजर गरजा। बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए मकान पर पीडीए की कार्रवाई में बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खडेरवा गेट चौकी निवासी एडवोकेट शेर खान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 2 मार्च को रात लगभग 1:30 बजे खडेराव गेट चौकी इंचार्ज विनोद कुमार 2 सिपाहियों और एक महिला सिपाही के साथ उनके घर में घुस गए और घुसते ही उन्होंने गाली गलौज कर दी, मारपीट शुरू कर दी। शेर खान के द्वारा विरोध करने पर गाली गलौज करने लगे, घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। एडवोकेट शेर खान की बहनें जब इस बीच बचाव में आई तो चौकी इंचार्ज ने उनके साथ भी मारपीट की और बदतमीजी की, यहां तक कि उन दोनों को भद्दी भद्दी गालियां दी है। प्रार्थी के भाई रियाज को जबरन घर से उठाकर ले गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में शेर खान ने बताया कि चौकी इंचार्ज नशे की हालत में थे, उनके भाई के साथ जबरन मारपीट की। शेर खान ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी है तो कोतवाली थाना इंचार्ज तुलसीराम पांडे ने आश्वासन दिया है कि अगर उनका भाई निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। एकदम आए, हम लोग अकेले थे, हमें भाई थे, भाई को मारा और कह रहे पहले रियाज को बुलाइए। हमने कहा बात बताइए क्या ये कह रहे, तो ये बोल रहे थे बाधा डालनी हो हमारे काम में, हमें पूछताछ करनी है। हमने कहा बात तो बताइए, हम लोग को बोलने लगे फोर्स बुलाएंगे, 120 धारा तुम लोग पे लगवाएंगे और तुम लोग को अंदर करवाएंगे। पूरे हमारी माँ भी थी, बहनें भी थी, बदतमीजी करी, ड्रिंक इतनी करे हुए थे, स्मेल इतनी आ रही थी, इतनी बदतमीजी। लेडी कांस्टेबल ने हाथ उठाया, फ़ोन छीने हम लोगों के। हम लोगों ने कहा मैम बताइए क्या बात है, नहीं बताया और हमें भाई को लेके गए, उन पर मारा, हमारे दूसरे भाई को भी लेके गए। जब हमने अपने बड़े भाई को कन्फर्म
बताया तो उन्होंने फिर जो भी किया। मामला ये थाना कोतवाली खंडेरगढ़ चौकी इंचार्ज विनोद कुमार सिंह जो कि नशे में हमारे घर पर आते हैं रात के 1:30 बजे और कहते हैं दरवाज़ा खोलो कि छोटी छोटी बहनें घर पर थी। दरवाज़ा जैसे ही खोला घर में भाई सो रहा था उसका गिरवान पकड़ के खींचते हुए ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई चोर है साला चोरियाँ करता है और इसको मैं बंद करूंगा ठीक है। उसके बाद इनका फ़ोन आया मैं घर पर गया तो देखते हैं कि इनके साथ बदतमीजी करी उन्होंने बताया और रोने लगी और कहने लगी हमारा मोबाइल भी साथ में छीन के ले गए जिसकी वीडियो अभी है और कोई कोऑपरेट नहीं किया और बहुत बदतमीजी से बात करते रहे मम्मी से बोले और बहनों से बोले। बदायूं के थाना कादर चौक के गांव तरापुर का एक पूरा मामला सामने आया है जहां पर सत्यभान की 2 भैंस चोरी हुई थी। उस समय सत्यभान और उनकी पत्नी की आंखें खुल गई और उन्होंने उजहानी के रहने वाले कसाई को पहचान लिया। इसके बाद पीड़ित ने थाना कादर चौक पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। बताया जा रहा है कि दारोगा ने पीड़ित और आरोपी के समर्थक को अपने आवास पर बुलाकर समझौता करा दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित की 2 भैंसों की कीमत लगभग 1,00,000 रुपये थी लेकिन दारोगा ने मात्र 50,000 रुपये में ही समझौता करा दिया और रुपये दारोगा जी ने अपने आवास पर ही गिन रहे हैं जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिया पहाड़ी गांव से 16 फरवरी 2023 को अपहरण करके कवित गौरक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उन्हीं की गाड़ी में हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और ना ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा या राहत दी है। 18 फरवरी 2023 को आजाद समाज पार्टी ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी लेकिन राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जिससे प्रतीत होता है कि इस घटना में सफेदपोश नेता अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। स्वाजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान प्रदेश में दलितों आदिवासियों और मुस्लिम समुदाय के साथ लगातार हत्या रेप और शोषण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और प्रदेश सरकार जातिगत कारण से मुआवजा और न्याय में भेदभाव कर रही है। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में मुख्यमंत्री खुद पीड़ित परिवार के घर जाकर 50,00,000 मुआवजा और 2 सरकारी नौकरी प्रदान करते हुए नजर आए थे लेकिन इसके उलट इंद्र मेघवाल जितेंद्र मेघवाल ओम प्रकाश रेगर और कार्तिक मिल के बाद अब नासिर और जुनैद हत्याकांड पर भी भेदभाव करते दिख रहे हैं। मैं सुनील कुमार चित्तौड़ पूर्व MLC अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर विगत 16 फरवरी को भरतपुर में नासिर और जुनैद 2 सगे भाइयों को गौर रक्षक के नाम पर जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़कर उनको हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ले गए। वहां उनकी बुरी तरीके से पिटाई की और तब तक पिटाई की जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई और जब जान निकल गई तब उनको एक बोलेरो गाड़ी में बिठाल दिया और उसमें आग लगा दी। बांदा में भूख प्यास से बिलखते बच्चों को लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। पत्नी ने पति को जेल से छुड़वाने की मदद मांगी है। दरअसल गाड़ी चोरी के मामले में पति 5 महीने से जेल में बंद है। युवती का आरोप है कि वकील बेल जमानत कराने के लिए पैसे भी नहीं है। भूख प्यास से बिलखते बच्चों सहित अधिकारियों के द्वार पर मदद के लिए महिला लगातार घूम रही है। वही महिला ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। मामला बांदा शहर कोतवाली के अलीगंज के पास का है। रोजी कहाँ से आई? अलीगंज से। अच्छा क्या मामला है, क्यों आई आप? मैं आई हूँ कि मेरे आदमी को छुड़ाया चलो नहीं कोई नहीं तो फिर या तो कुछ नहीं हम लोग खा के मर रहे। कोई रास्ता बताइए हम लोग कहाँ से बच्चों का पेट भरे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।